हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी विद टीचर चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पर हमारे यूजीसी नेट के एग्जाम शुरू हो चुके हैं। तो यहाँ पर अभी हमारा जो है फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हुआ है आज यहाँ पर 22 अगस्त को। तो हम बात करेंगे पेपर वन में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, देखेंगे जो स्टूडेंट के मैसेज आए हैं, बताया है कि उन्होंने किस तरह के यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पेपर वन की यहाँ पर बात हो रही है। सबसे पहले हम देख लेते हैं डिफिकल्टी लेवल क्या है पेपर का। तो यहाँ पर जो बच्चे बता रहे हैं, जैसे हमें पेपर वन को लेकर काफी डर लगता है कि पेपर हार्ड आएगा, तो ऐसा नहीं है। पेपर जो है, जैसा कि अब तक हमारे प्रीवियस ईयर पेपर रहे हैं, उसमें ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। आपका जो डिफिकल्टी लेवल है वो इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, ज्यादा हार्ड जो है आपका पेपर का लेवल नहीं है। जैसा कि हमें डर लगता है पेपर वन को लेकर, पेपर वन को एक होबा बना दिया गया है कि पेपर वन नहीं होगा क्लियर, पेपर वन थोड़ा हार्ड आता है, तो ऐसा नहीं है। यदि आपने एक अच्छी तरीके से तैयारी की है, सिलेबस को फॉलो किया है, पेपर जो है ऐसा नहीं है आपके सिलेबस से बाहर का है। बच्चों का कहना है कि आपका जो पाठ्यक्रम है उसी के अकॉर्डिंग आपका जो है पेपर आया है। और पेपर ऐसा भी नहीं है कि बहुत सारे क्वेश्चन बहुत हार्ड थे। मैं हमेशा कहती हूँ एग्जाम में जो है आपके यहाँ पर 50 क्वेश्चन है पेपर वन में, तो कुछ क्वेश्चन बिल्कुल इजी होंगे, कुछ मीडियम होंगे, ज्यादा क्वेश्चन आपके मीडियम रहते हैं, और 10-12 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें हार्ड लेवल के लगते हैं। तो आपके सिलेबस में से ही आपका पेपर आया, ऐसा नहीं है कुछ बाहर की चीजें पूछ ली है। एक यहाँ पर जो है एग्जाम पैटर्न की बात करें, एग्जाम पैटर्न क्या था, तो ऐसा नहीं है कि आपके एग्जाम पैटर्न में चेंज हुआ है। जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पेपर पूछे जा रहे थे, उसी तरह जो है पेपर में जो है वही पैटर्न रहा है। पैटर्न चेंज होने का मतलब ये होता है, जैसे आप जानते हैं एक बार हम पेपर दे रहे थे, जब तक हमारे जो है 3 ही पॉइंट आते थे, 4 ABCD, फिर यहाँ पर ई ऑप्शन जोड़ दिया गया, तो ये पैटर्न में चेंज हुआ था आपके 1-2 साल पहले। लेकिन इस बार जो है बच्चों का कहना है कि एग्जाम पैटर्न में कोई चेंज नहीं हुआ है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो जैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, जिस पैटर्न पर पूछे जा रहे थे, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, वही पैटर्न सेम रखा है। सब तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कोड वाले क्वेश्चन भी आए थे, वन लाइनर भी आए हैं, स्टेटमेंट वाले भी जो है आपके में क्वेश्चन बने हैं यहाँ पर। तो एग्जाम पैटर्न में यहाँ पर चेंज नहीं हुआ है। उसके बाद बात करते हैं डीआई कैसा आया था। तो डीआई भी ज्यादा टफ नहीं आया था कि हम कहते बहुत टफ आया था। यहाँ पर बच्चों का कहना है कि 5 में से 3 क्वेश्चन तो बिल्कुल इजीली जो है हम कर पा रहे थे। यदि आप डीआई में 5 में से 4 क्वेश्चन भी कर लेते हो तो ये बहुत अच्छा माना जाता है, और उन बच्चों के लिए तो जिनका मैथ थोड़ा कमजोर होता है उनके लिए तो ये बहुत बड़ी बात है। तो डीआई जो है बहुत टफ नहीं आया था। कई बार डीआई ऐसा आ जाता है कि हम 1-2 क्वेश्चन ही सोल्व कर पाते हैं, तो डीआई में से 5 में से 3 क्वेश्चन इजिली बन पा रहे थे। यानी अगर आपका बेसिक सही है तो अभी आप इतना कर पा रहे थे बच्चे, ठीक है। और जिनका मैथ अच्छा है वे तो कंप्लीट कर ही लेते हैं। तो डीआई भी ज्यादा टफ नहीं आया था, 5 में से हम 3 क्वेश्चन इजीली कर पा रहे थे, ऐसा बच्चों का कहना है। उसके बाद बात करते हैं कॉम्प्रिहेंशन। देखो कॉम्प्रिहेंशन के बारे में मैं भी हमेशा कहती हूँ कि ये आपके नंबर बनाने वाले होते हैं। 5 क्वेश्चन होते हैं तो 10 नंबर आपके ये बन जाते हैं यदि आप थोड़ा टाइम लेकर कॉम्प्रिहेंशन को सोल्व करते हैं। कॉम्प्रिहेंशन में हमेशा देखती हूँ कभी भी इतना हार्ड नहीं आता कॉम्प्रिहेंशन कि यहाँ पर जो आपको सोल्व करने में परेशानी हो। तो कॉम्प्रिहेंशन इजी था, 5 में से 5 क्वेश्चन बन जा रहे थे कॉम्प्रिहेंशन में से, ऐसा कोई टफ कॉम्प्रिहेंशन नहीं था। कहने का मतलब यह है पेपर वन ज्यादा हार्ड नहीं था, ठीक है। और आपकी तैयारी पर डिपेंड करता है। देखो अगर आपने सिलेबस अच्छे से पढ़ा है, PYQ किया है, तो जाहिर सी बात है आपको थोड़ा इजी लगेगा, ठीक। टीचिंग एप्टीट्यूड से आपके क्वेश्चन बन रहे थे, टीचिंग एप्टीट्यूड से आपके क्वेश्चन आए हैं। उनका कहना है अगर प्रीवियस ईयर पेपर हमने अच्छे से किए होंगे तो वहां से हमारे एप्टीट्यूड वाले टीचिंग एप्टीट्यूड में काफी हेल्प हुई है, वहां से क्वेश्चन बन रहे थे। रीजनिंग के भी आपके पेपर में क्वेश्चन आए थे, 2 क्वेश्चन आपके रीजनिंग वाले पेपर जो है रीजनिंग वाले टॉपिक से आए हैं। प्रीवियस ईयर पेपर मैंने यहाँ पर पूछा था कि क्या प्रीवियस ईयर पेपर से आपकी हेल्प हुई है, पेपर रिपीट क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, तो बिल्कुल हुए हैं, PYQ से आपकी हेल्प हुई है। तो जो बच्चे अब आगे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिनका 27 तारीख को एग्जाम है, 28-29 को एग्जाम है, 4 सितंबर तक एग्जाम है, तो थोड़ा प्रीवियस ईयर पेपर पर हेल्प कीजिए, क्योंकि जिन्होंने PYQ सोल्व किए हैं उनका कहना है कि उनकी काफी हेल्प हुई है और क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं। उससे अलग NEP से आपके पेपर में क्वेश्चन आ रहा है,
एनईपी से क्वेश्चन आ रहा है, आईसीटी से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। आईसीटी में भी आपको प्रीवियस ईयर पेपर से हेल्प हुई है, ये बच्चों का कहना है, तो प्रीवियस ईयर पेपर जरूर कर लीजिएगा। यदि आपने अभी तक नहीं किया है तो पीवाईक्यू कर लीजिएगा। और वैसे भी यदि हम किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो पीवाईक्यू सोल्व करना हमारा पहला काम होता है, तो पीवाईक्यू सोल्व कर जाइएगा जो भी आने वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम तो अभी हमारे 4 सितंबर तक है, आज 22 तारीख है, तो कम से कम जो पिछला एग्जाम हुआ है उसके प्रीवियस ईयर पेपर जरूर देख कर जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जो जानकारी मुझे मिली मैंने आपको बता दी, बाकी यदि आप आज एग्जाम देने गए हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन जो है यहाँ पर, कितना आपको लग रहा है अनुमान, कैसा आपका पेपर गया है, क्या क्या क्वेश्चन आए थे, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए थे, वो सब आप मुझे मैसेज कर कर बता सकते हो इसी वीडियो के नीचे, जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। साथ ही यदि आपका हिंदी सब्जेक्ट है तो यहाँ पर मैंने नेट हिंदी महामैराथन क्लास करवाई हुई है, ये 2 क्लास है जिसमें आपका यूनिट 1 to 10 का कंप्लीट रिवीजन करवाया हुआ है, तो आप ये देख सकते हो। और पेपर 1 आपका कैसा जाता है ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, जो बच्चे आज पेपर देकर आए हैं। साथ ही जो बच्चे आगे एग्जाम देने वाले हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सभी अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, और आपको क्लास अच्छी लगी तो क्लास को शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय, टाटा, धन्यवाद।